दिल्ली की सबसे पुरानी दुकान है ये। चारों फ्लेवर ये 150 का है और ये हमारा फुल ड्राई फ्रूट आ जाता है, देसी घी में सर। ये तो शीरमाल को लाने वाला मैं ही हूँ जी सर। और तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं जामा मस्जिद के अंदर और यहाँ पे आज हम स्पेशल शीरमल जो है उसकी मेकिंग दिखाएंगे कैसे बनता है और ट्राई करके देखेंगे कि कैसा होने वाला है। तो यहाँ आए हैं हाजी इमरान, स्पेशल शीरमल मिलते हैं इधर, ठीक है। यहाँ ऑनर से बात करते हैं पहले। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद वसीम, मेरी शॉप का नाम है हाजी इमरान शाही शीरमल वाले। क्या कौन कौन से शीरमल मिलते हैं आपके पास? सर हमारे पास जो है नी ये 50 वाला है जिसमें कम ड्राई फ्रूट होता है, मिक्स घी होता है, ठीक है सर। ये तिल बादाम होता है, ये 60 रुपीज़ का तिल बादाम का। ये फुल बादाम, ये देसी घी में होता है 100 रुपीज़। ये बादाम पिस्ता है सर, ये 120 का है। और सर ये चारों फ्लेवर है, ये 150 का है और ये हमारा फुल ड्राई फ्रूट आ जाता है देसी घी में सर। ये 250 का है जी। ये सारे सीरमल जी सबसे ओल्ड दुकान पे आप खड़े हैं, दिल्ली की सबसे पुरानी दुकान है ये। सबसे सर ये 5 साल हो गए मेरी शॉप को। हाँ, शीरमाल को लाने वाला मैं ही हूँ जी सर। और आप यहाँ देख सकते हैं ये बन रहे हैं आपके सामने। जी बिल्कुल एंड टू एंड, जितना आपको ऑर्डर चाहिए मैं उतना आपको माल बना के दूँगा, फ्रेश एकदम। देखिए आप बनना है और भाई से पूछ लीजिए जो भी आप। तो यहाँ पे जो है अपना शीरमल जो है वो लगने जा रहा है, वो बन रहा है, ठीक है। तो बताते आना भैया क्या क्या कैसे प्रोसेस करते हो। ये डो किस चीज़ का होता है, ये आटा किस चीज़ का होता है, मैदा? ये मावा दूध का होता है ये। अच्छा, मावा दूध का। बेलने के बाद पानी किस लिए? पानी ये माल जाए कि प्रेस पर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भाई अच्छे से जो है इसे दबा के इसमें जो है बादाम लगाया जा रहा है। खाली बादाम वाला है? ये बादाम वाला है। अच्छा, वाह। ये इस पे ऐसा किस लिए क्यों कर रहे हो? ये माल नहीं फूल पावा, सब खूबसूरत लगे। अच्छा, फूले ना, ऊपर से भी पानी। ये पिस्ता है ये। अच्छा, बादाम पिस्ता वाला बन रहा है ये सर? हाँ ये। अच्छा, ग्राइंड पिस्ता है। बहुत बढ़िया, ऊपर से भी बेल दे रहे हैं ये, से ऐसे रख दिए। हाँ, और कौन कौन सा बना रहे हो ये? अब ये बना रहा हूँ मैं सो वाला। ये कौन सा? सो वाला। सो वाला देख रहे हो? इस पे भी अच्छा खासा जो है बादाम आ चुका है। बहुत बढ़िया। ये इसका जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, देख सकते हो। काफ़ी अच्छे से जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ चुके हैं इस पे, सिर्फ बादाम का रहता है। बहुत बढ़िया। ये कौन सा आ रहा है? ये 60 वाला है, तिल वाला। अच्छा, तिल वाला। ये जा भाई, इसमें तिल भी और थोड़ा बादाम भी डाल रखे। बहुत बढ़िया। तो पूरे पे जो है तिल लग चुका है अच्छे से। सीखने आ रहे हो? तो यहाँ पे भी जो है ये सीखने जा रहा है। क्या
आ रहा है, 100 वाला है ये, वो सीखने आ रहा है। अब ये पिस्ता वाला आ गया, बादाम पिस्ता वाला 120 वाला। ये चारों फ्लेवर, चारों फ्लेवर 150 वाला। अच्छा, ये 60 वाला, तिल वाला सिरमल है। हाँ, तिल बादाम वाला, तिल बादाम। ये 50 वाला, ये कम ड्राई फ्रूट्स वाला है। निकलने आ रहे सीर में अपना, बादाम वाला आ गया। अरे चारों फ्लेवर वाला, तो ये अभी एक और आ रहा है बाहर, ठीक है, चारों फ्लेवर आ जाने। अरे तिल वाला आ गया, हो गए ना सारों। तो यहाँ पे अच्छे से पक चुका है, और अब क्या होगा भैया आगे? आगे इसमें घी में डिप करेंगे इसे। अच्छा, घी में? कैसा घी होता है ये? देसी घी होता है। यही जी, ये देसी घी है। देसी घी में भी डिप किया जाएगा इसे अच्छे से, ये देख सकते हो भाई, पूरा घी में भैया ने डिप कर दिया इसे, घी से नहला दिया पूरे सीरमल को। वाह, इसे भी डिप करेंगे घी के अंदर। और ये पिस्ता वाला सीरमल, पिस्ता बादाम, पिस्ता बादाम, पूरा डिप करके निकाल रहे हैं भाई साहब, पानी आ रहा है देख देख के। तो और ये तिल वाला भी चले गया। अरे लास्ट बादाम वाला, 50 वाला, 50 वाला। तभी यहाँ पे इसमें ये निचड़े गए हैं जी। अच्छा, अभी पैक हो गई है, तो ये पैक करने से ख़राब नहीं होता? नहीं, 15 से 20 दिन ख़राब नहीं होता विदाउट फ्रिज। अच्छा, 15 से 20 दिन तक हम कहीं भी ला ले जा सकते हैं? कहीं भी ले जा सकते हैं। अच्छा, ये मोस्टली किस ओकेज़न पर ज़्यादा खाया जाता है ये? मतलब रमज़ान उस टाइम ज़्यादा खाया जा रहा है। अच्छा, रमज़ान के टाइम में, तो रमज़ान स्पेशल है ये है। अच्छा, सिल्वर फॉइल में जो है पैक हो रहा है अच्छे से। काम तो लिमिटेड होता है, चलता है मतलब वो भी है। अच्छा, पर हम जानों में कुछ ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये आखिरी जो है बादाम वाला, सिर्फ फुल बादाम में, फुल बादाम में।
तो ये ऑर्डर पे ही बनाते हो कि नहीं? ऑर्डर बनाते हैं, जैसे मतलब आप मेरे दिल करें ऑर्डर को करना चाहते हो ऑर्डर भी हो जाएगा। अच्छा, यस। यहाँ की लोकेशन क्या है? लोकेशन जहाँ मस्जिद मटिया महल एक नंबर का उसके गेट के सामने है, मेन गेट के सामने असलम चिकन के सामने है जी जी। सामने ही लगता है मटिया महल है, पता वो हाजी इमरान के नाम से दूसरों पर ही हाजी इमरान सीमा पेट वाले। तो अब आ गई टेस्टिंग की बारी, और ये अभी हमने लिया है 50 रुपीज़ वाला है, ठीक है। तो इसे टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा ही टेस्ट करूँगा, अभी और भी वीडियो शूट करनी है, तो उस वजह से जो है थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। बाकी ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा अमेजिंग सा लग रहा है, ठीक है। तो एक बाइट ले लेते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स तो सब में सेम रहता है, टेस्ट होना चाहिए, ब्रेड का टेस्ट होना चाहिए, ब्रेड का टेस्ट कैसा है, ठीक है, जो ब्रेड बनी है। तो टेस्ट करते हैं इसे, भाई साहब ब्रेड जो है ना काफ़ी ऑसम लग रही है, और जो देसी घी का फ्लेवर आ रहा है ना मज़ा आ गया। देख कम ड्राई फ्रूट्स वाला है, इस वजह से थोड़ा कम सा लग रहा है, लेकिन अगर और मतलब फुल्ली लोडेड ड्राई फ्रूट्स वाला लोगे तो भाई सच्चे कह रहा हूँ खाओगे तो मज़ा आ जाएगा, और टेस्ट करने में काफ़ी अमेजिंग सा लगा, मज़ा आ गया। मस्जिद में मार्केट लगती है, एक नंबर गेट मठिया महल और असलम चिकन के सामने भैया की शॉप लगती है हाजी इमरान के नाम से, और भैया दावा करते हैं कि दिल्ली की सबसे पहली शॉप जो है इन्हीं की है, सीरमल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो मज़ा आ गया, आप भी आओ तो भाई टेस्ट ज़रूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, हमने सीरमल का मज़ा आप लीजिए, वीडियो का मज़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।